दोस्तों आज मैं सेजवान चटनी बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही स्पाइसी होती है। इसके लिए चलिए शुरू कर लेते हैं। गर्म पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए हैं। इसमें टमाटर डालेंगे, 5 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज। प्याज को मोटे मोटे पीस में ऐसे ही काट लिए हैं, इसको भी बॉयल करेंगे। 5 लाल मिर्च लिए हैं, इसको भी इसी में बॉयल करेंगे जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। 20 मिनट तक बॉयल करेंगे, टमाटर का भी स्किन उतरने लगेगा। उसके बाद टमाटर छील के इस सबको फिर एक साथ पीसेंगे। ढक देते हैं इसको दोस्तों। दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं। हो गया है दोस्तों, टमाटर का स्किन भी निकलने लगा है। मिर्च भी बहुत सॉफ्ट हो गया है। ऑफ कर देते हैं, ठंडा होने के बाद टमाटर का स्किन निकालेंगे फिर पीसेंगे इसको। इसे निकाल लेते हैं दोस्तों पानी से। ठंडा हो जाएगा फिर इसका स्किन निकाल के पीसेंगे। देखिए टमाटर का स्किन निकाल लिए हैं सभी टमाटर का। अभी सबको पीस लेते हैं, ठंडा भी हो गया है। पीस गया है दोस्तों। फ्राई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। फ्राई गर्म हो गया है, इसमें तेल डाल दिए हैं। जीरा डालेंगे इसमें। प्याज डाल लेते हैं, प्याज बारीक काट लिए हैं। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें अदरक लहसुन क्रश किया हुआ है, पेस्ट नहीं है क्रश किया हुआ है, तो इसमें डाल देते हैं। इसको भी भून लेते हैं। भूनेंगे थोड़ी देर अदरक लहसुन को। अदरक लहसुन भून चुका है, अभी इसमें सोया सॉस डालेंगे। चम्मच डालना है, टोमेटो सॉस डालना है, ये भी 2 चम्मच नाप लिए हैं पूरा। टमाटर का जो पेस्ट बना है, टमाटर प्याज लाल मिर्च का, वो डाल देते हैं। एक चम्मच चीनी डालेंगे ताकि इसका तीखापन को थोड़ा बैलेंस कर पाएगा। इसमें नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार।
बहुत ही स्पाइसी चटनी होता है दोस्तों, मोमोज के साथ खाया जाता है, पिज्जा बेस पर भी लगाते हैं। शेजवान चटनी बनकर तैयार हो गई है, खाने के लिए रेडी है ये। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।